सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। कोरोना वायरस के चलते देश भर में चल रहे लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद के लिए देश भर में सामाजिक धार्मिक संस्थाएं आगे बढ़कर सहायता प्रदान कर रही हैं। इसी कड़ी में श्रीधाम वृंदावन में मां कृपा फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंदों के लिए निरंतर भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं, वृंदावन में जगह जगह मां कृपा फाउंडेशन द्वारा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की गई है। मां कृपा फाउंडेशन के प्रमुख गुरु मां ध्यान मूर्ति जी महाराज ने बताया कि लोगों के सहयोग से राष्ट्र सेवा का यह अभियान जारी है। हम लोग पिछले 3 वर्षों से लगभग 2017 से वृंदावन की परिक्रमा में साधु महात्माओं को भोजन बांटते ही रहे हैं, लेकिन इस समय कोरोना एक विपत्ति है और विपत्ति इतनी बड़ी है कि आज महात्माओं के लिए भी भोजन की समस्या है। हालांकि बहुत सारे लोग बांट रहे हैं, लेकिन एक भयभीत वातावरण है और इस भयभीत वातावरण में माँ कृपा फाउंडेशन कोशिश कर रहा है कि परमात्मा की कृपा बनी रहे और वृंदावन में ज़्यादा से ज़्यादा महात्माओं तक, ज़रूरतमंदों तक भोजन पहुँचाया जाए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग जो सहयोग कर रहे हैं वो तो करें ही, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग ये होगा इस समय कि भयभीत नहीं भी होना है, पर भय को समझते हुए कोशिश ये करनी है कि जितना जितना ज़्यादा हो खुद का भी बचाव किया जाए, औरों का भी बचाव किया जाए।